मैंने सारी जिंदगी मदारे को भी शुरू से सकती मैं इतने देर पाकिस्तान जब कुछ सारे तो आए कि पाकिस्तान कुछ न तो हम समझते थे कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में खुशहाली होगी, रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। मोतरों पर नदी पुत्रों की शहादत क्या हुई कि पाकिस्तान की शहादत। आज पाकिस्तान में उन लोगों को शहीद किया जा रहा है, उन लोगों पर अटैक हो रहा है जो हमेशा से भुट्टो साहब के मौजूद रहे हैं, जो पीपुल्स पार्टी का गढ़ था। भुट्टो साहब ने फरमाया था कि लड़काना तो मेरे खिलाफ हो सकता है, लियारी मेरे खिलाफ नहीं। लियारी वो जगह है जहाँ डिसएडवांटेज लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन मुहब्बे वतन लोग रहते हैं। वो लोग रहते हैं जिन्होंने भुट्टो की फांसी के खिलाफ जद्दोजहद की, वो लोग रहते हैं जिन्हें जियाउल्लाह की रजीम ने फांसी पर चढ़ाया। वो वाकई पीपुल्स पार्टी के ज्याले थे, लेकिन आज उनके जुल्म कौन कर रहा है? रहमान मलिक जो जियाउल्लाह के ज़माने में FIA में भर्ती हुआ, आज उनके जुल्म कौन करा रहा है? उसका नाम है टप्पी, जिसकी सेफ क्वालिफिकेशन है कि वो जरदारी साहब का मुंहबोला भाई। जरदारी साहब, आप शहंशाह पाकिस्तान नहीं हैं, आप पाकिस्तान के सदर हैं। आपका खानदान पाकिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकता, और कर भी ले तो आपके मुँह बोले भाई, आपके खानदान को वसी करके कह रहे हैं कि ये सारा सिक्का जाने आप बताइए, सारा सिक्का सारी कार्रवाई चीफ मिनिस्टर सिंह नहीं, ये कार्रवाई जनाब वैस ने की है जिसका नाम टप्पी की है। बिलावल हाउस में बैठी हुई मैं वहाँ मौजूद था, मैं लियारी भी गया था, मेरे पास सबूत मौजूद है। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे टेलीविजन पूछा गया, मैंने कि मेरे पास सबूत मौजूद है, ये सारा फैसला बिलावल हाउस में हुआ कि हबीब जान को खत्म करना है। वो समझते थे कि हबीब जान सियासी कानून है, वो समझते थे कि लियारी उसकी जागीर है। टप्पी साहब वहाँ से दुबई इलेक्शन लड़ना चाहते थे, बिलावल साहब नेशनल इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन पहली दफ़े लियारी के करीब होने का 25 साल हो गए, बहुत कुछ किया आपने हमारे लिए, कुछ नहीं किया। अब लियारी को तो अपना फैसला किया, लेकिन लियारी को जो कुछ हुआ, आज आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से वाले TV में चल रहा है, वहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। रहमान मलिक कहता है ऑपरेशन हुआ ही नहीं, चल पुलिस वाले गए थे पकड़ने के लिए उनके अटैक। शर्म करो, सारी दुनिया ने देखा ऑपरेशन। आज हम इस मुदायरे में डिमांड करेंगे, मैंने मेमोरेंडम तैयार किया है, मैं आपसे मेमोरेंडम प्रोसेस कराना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमरान खान कब लियारी में जाएंगे? इमरान खान कब शुरू हो जाएंगे? लेकिन आप यहाँ पर इख्तलाफ पैदा न करें, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, हम वजीर आजम के खिलाफ है, इख्तलाफ पैदा न करें। वो इमरान की बहन थी, वो इमरान की बहनें थी।